सीपीआई सीपीएम माले के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी आप सबों के महागठबंधन के चहेते प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए वर्तमान विधायक और आगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी प्रकाश वीर जी, समय कम है इसलिए सभी मंचासीन जितने लोग हैं सबका नाम नहीं ले सकते। मीडिया के दोस्तों, बुजुर्ग, अभिभावक, सभी लोगों का गौर शुक्र के प्रणाम करते हैं। और रजौली के नौजवान युवा साथी, आपके बीच आने का मौका मिला है। 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन ईमानदारी सच बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। अगर हम पूछते हैं कुछ जात पात को हटा करके, धर्म को हटा करके, अभी केवल काम की बात की जाए और हम आपसे पूछते, देखो नवरात्रि है, माँ भगवती सबका कल्याण करे, रोजगारी के नौजवान को जल्दी रोजगार दे, लेकिन कलश की स्थापना होती है, सुनो कलश की स्थापना होती है तो संकल्प लिया जाता। तो हमने भी संकल्प लिया, हमने भी कलश की स्थापना की है। हमने माँ दुर्गा माँ भगवती से मांगा है कि रजौली बिहार की जनता का सब दर्द, दुख, परेशानी, तकलीफ आप दूर कीजिए। अब देखो, आप संकल्प लिए हैं नवरात्रि में तो उसको तो हमको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के तू लोग कहो कि जब ब्लॉक और जब थाने जब जाते हो तो बिना चढ़ावे के कुछ काम होला। अरे दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, बताइए सही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, घुसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। लॉकडाउन में मजदूर भाई के रोक दिया बिहार आने से, जो सरकार मुंह फेर ली तो एक बार बिहार की जनता क्या करेगी? अरे 10 तारीख को क्या करेगी? 10 तारीख को नीतीश बाबू जी का विदाई, बोले क्या करेगी? हाथ उठा के बोलिए क्या करेगी? और देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ठेठ बिहारी हैं, बुझाता है कि ना, बुझात हुआ, जो कहता नहीं जरूर करे। हमारा डीएनओ शुद्ध बा। हम एक मौका आप लोगों से मांगना है, एक मौका दीजिएगा कि नहीं 5 साल के लिए, अभी बता दीजिए। अगर आपको देना है तो अभी दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग बताइए, मौका मिलेगा? जिस दिन आपका भाई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री हो तो 1 साथ 10 लाख बेरोजगार को, 1 साथ 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरियां, स्थायी नौकरियां हम देने का काम करेंगे। अब आप बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सरकारी नौकरी तो तब मिलेगा जब यहाँ से प्रकाश वीर जी को एक एक वोट देकर के आपको जुटाने का काम करेगा। आप बताइए, मेरा नौजवान भाई बेरोजगार होता चला गया, बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है, देश में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है प्रदेश तो बिहार है। नीतीश जी की वजह से बाहर जाना पड़ा, नीतीश जी हाथ खड़ा कर दिए, बोलते बिहार में समुद्र होता तब ना कारखाना नौकरी देते। तो हम बोले कि भाई लालू जी रेल मंत्री थे तो मरवाड़ा में रेलवे फैक्ट्री लगा दी है,
परसा में कारखाना लगा दिए, बगतपुरा में कारखाना लगा दिए, तब तो समुंदर नहीं था। आप देखो नीतीश जी हाथ खड़ा कर दिए, बोले कि बहुत प्रयास किए रोजगार देने का नहीं हो पाया उनसे, कारखाना लगाने का बहुत प्रयास किए नहीं हो पाया उनसे। हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला संभलेगा जी? थोड़ा जोर से बोले सुनाई दे, संभलेगा? तो हम नौजवान हैं, ऊर्जा है, हम सब जात को लेकर चलेंगे, सब धर्म को लेकर चलेंगे, सब वर्ग को साथ में लेकर चलेंगे, और जो बेरोजगारी है उसको हम दूर करेंगे। 4.5 लाख नौकरी बिहार सरकार जब चाहे तब दे सकता। शिक्षा विभाग में बता टीचर का कमी है कि नहीं? स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर का कमी है कि नहीं है? अस्पताल में डॉक्टर नर्स का कमी है कि नहीं है? क्लर्क का ऑफिस में कमी है, पीयून का, चपरासी का, गार्ड का, जूनियर इंजीनियर का, हर जगह सिपाही में दरोगा जी का खाली बा, सिपाही में खाली बा। जाता है नौजवान परीक्षा का तैयारी करता, दिन रात देखते दौड़ रहा पसीना बहा रहा, कई लोग डिग्री ले लिया नौकरी नहीं है, आवेदन का फॉर्म भरता है ना सर, कितना पैसा बर्बाद हो गया, किराया भाड़ा परीक्षा का तैयारी कोचिंग स्कूल पहले डिग्री, हजारों बुजुर्ग लोग माँ बाप अपना पेट काट के बचपन के पढ़ाओ ताकि नौकरी मिले तो बुढ़ापा में सहारा बने। अगर आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परीक्षा केंद्र जाओगे तो उसका भाड़ा भी हम ही देंगे, भाड़ा अभी तो जूता छिया गया, लोग कहता चप्पल छिया गया तो जूता छिया गया, एक जूता नहीं भरा 5 साल से भर रहे, सोचिए कितना जूता छिया गया होगा, बचवा के नौकरी नहीं मिला, मोदी जी ठग लिए, बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ, उसने देखिए जितना जीविका दीदी है, आशा दीदी है, आंगनबाड़ी महिला है, विकास की सहायता समूह है, उन सब का मानदेय हम 4,000 करेंगे, अनलिमिट करने का काम करेंगे, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन हम देंगे, बराबरी का अधिकार सबको मिलेगा। एक किसान भाई सिंचाई के व्यवस्था नहीं थे, पानी के व्यवस्था नहीं थे, तो आय दुगुना ना होता बिचौलिया मार लेता। बिजली का उत्पादन खुद करेंगे बिहार सरकार, अभी बिहार सरकार बिचौलिया वाला काम करके खरीदेगी, दुगुना रेट में बेचेगी, तो मान लो अगर हम खुद पैदा करेंगे बिजली तो आपका मान लो 500 रुपया बिल आता है बिजली का तो 250 हो जाएगा, सीधे आधा हो जाएगा। खेल कूद सब चौपट कर देने नीतीश जी, अरे बिहार का नौजवान एक से खिलाड़ी मिलेगा यार, कहीं तो खेले कूदे के व्यवस्था नहीं, पढ़ाई तो चौपटे कर दिए और खेलो चौपट कर देने, कोई स्टेडियम रहेगा? अरे कितना लड़का धोनी बने के चाहता, क्या व्यवस्था बा, कोई है? तो बना है सबको, हर एक क्षेत्र पे हम लोग ख्याल रखेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे, और नीतीश जी के राज में 7-7 घोटाला हो गया, सृजन घोटाला से लेके बड़ा बड़ा घोटाला, बिहार अरबों खरबों रुपया लुटा गया, कोई काम इन्होंने नहीं किया, इसलिए। और हम बताना चाहते हैं, कई अपने पार्टी के लोग जा करके खड़ा हो गए, बचिएगा मत, एकजुट होइएगा, सरकारी नौकरी तभी मिलेगा जब नौजवान का सरकार बनेगा, नौजवान का सरकार तब बनेगा जब यहाँ से प्रकाश मिर्जी खड़ा हो, आशीर्वाद दीजिए तो सबका।
अगर विकास के लिए जरूरत पड़ेगा किसी को जिला बनाने के लिए, किसी को अनुमंडल बनाने के लिए, किसी को प्रखंड बनाने के लिए काम हम करेंगे, तो उसमें चिंता करना नहीं। तो अब हम आप लोगों से कन्फर्म होकर के जा रहे, अरे कन्फर्म बना ना, जितने लोग हैं एक एक आदमी 10-10 वोट दिलवाइए, दिलवाइएगा माता बहन सबके ले जाके बूथ पर वोट दिलवाइएगा। तो हम चलते हैं, आप लोग विजय के माले पहना दें। चलिए, आप लोगों का अनुमति मिल गया, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और एक महीना के अंदर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जय हिंद।